Hello friends, do subscribe and click on ring icon to get fast notification. Welcome friends, self adhyayan par C classes mein last video mein humne dekha tha array ke bare mein aur array ko hi hum aaj continue karne wale hain jisme kuch questions ko hum acche se seekhne wale hain. लास्ट क्लास में हमने देखा था एरे क्या होता है, एरे को हम कैसे रन कराते हैं, उसका वेरिएबल कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, वो हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से सीख लिया था. तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले लास्ट वीडियो को आप देख लीजिए, क्योंकि आज की क्लास आपको तभी क्लियर हो पाएगी जब आपको वो वीडियो अच्छे से क्लियर हो जाएगी. तो लास्ट क्लास से ही हम कंटिन्यू करते हैं. हम यहाँ पर वो कोड दे चुके हैं जिसमें हमने 10 नंबर का एक एरे लिया हुआ है और 10 नंबर का वही एरे हमने डिस्प्ले करा दिया है. तो क्वेश्चन नंबर आज की जो हम स्टार्टिंग करने वाले हैं वो हमें काउंट करना है ऑड नंबर या काउंट करना है इवन नंबर. तो उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पर काउंट, जिसकी स्टार्टिंग हमने अभी जीरो रख दी है. इसका मतलब अभी काउंटिंग जीरो है. जैसे जैसे हमारे ऑड नंबर या इवन नंबर मिलेंगे वो काउंटिंग को बढ़ाता रहेगा. तो आपको क्या करना है, आपने जो भी नंबर लिए हैं एरे के वो अगर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब इवन हम काउंट करने वाले हैं, तो हमने काउंटर बढ़ा दिया है. काउंटर बढ़ाने का मतलब है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है हमारी, यानी कि हमें सिर्फ काउंट करना है, हमें नंबर वो डिस्प्ले नहीं कराने जो इवन या ऑड है, हमें सिर्फ अभी इवन नंबर को काउंट करना है. तो इवन नंबर का हमने ये एक छोटा सा कोड लगा दिया है लूप के अंदर, जहां पर हमारा लूप डिस्प्ले हो रहा था. यहां पर आपको प्रिंट का एक मैसेज दे देना है जिसमें आप सिंपल लिख देंगे कि हमारे जो भी टोटल नंबर ऑफ इवन है वो कितने हैं. टोटल नंबर ऑफ इवन इज, यहाँ पर आपको परसेंटाइल डी यूज करते हुए वो काउंट वेरिएबल को डिफाइन कर देना है. अब जैसे ही हम इसको रन कराएंगे और रन कराने के बाद जो भी नंबर हम डालेंगे उसमें से इवन नंबर मिलने पर वो उसकी काउंटिंग को ले लेगा. तो यहाँ पर हमने कुछ वेरिएबल डाले हैं, कुछ जो नंबर हमने इनपुट कराए हैं. यहाँ पर 10 नंबर डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा टोटल नंबर ऑफ इवन काउंटिंग इज 7, क्योंकि 75, 567 और 45 तीन ये ओड नंबर हमने डाले थे, बाकी सारे हमने इवन नंबर डाले थे, इसलिए इवन नंबर की काउंटिंग आ जाती है 7. सेम कंडीशन आपको पता होगा कि हम अगर नॉट लगा देंगे तो ये हमारा इवन की जगह ओड की काउंटिंग हो जाएगी. इसे भी हम एक बार रन करा लेते हैं सिंपल सा. फिलहाल हम शॉर्टकट डालते हुए कुछ भी नंबर जब देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ओड काउंटिंग इज 2, यानी कि एक तो हमने डाला है इसमें 65 और एक 45. अब हमें नंबर की अकरेंस को पता करना है, यानी कि अगर आप कोई भी 10 नंबर डालने के बाद एक नंबर डालेंगे तो वो नंबर कितनी बार आया है हमारी एरे लिस्ट में. तो फिलहाल हमें यहाँ पर एक नंबर भी डालना होगा. सपोज हम एक टैंप नंबर ले लेते हैं. 10 नंबर डलवाने के बाद हमें फिर से एक नंबर डलवाना होगा, एंटर नंबर टू गेट अकरेंस, और उसकी हमें एग्जिस्टेंस पता करनी है कितनी बार वो हमारे एरे में आया है. तो उसका एड्रेस हम डाल देते हैं टैम, क्योंकि इस लोकेशन पर हम उस वैल्यू को पास करा रहे हैं. अब नीचे आपको करना क्या होगा, ये कंडीशन हम चेंज कर देते हैं जहां पर हमारा एरे के नंबर में अगर टैम्प आता है, इसका मतलब हमारे एरे लिस्ट में जो भी हमने ऊपर नंबर डाला है टैम्प वो अगर मिलता है तो फिर हम काउंटिंग को बढ़ा देते हैं. आपका मैसेज थोड़ा चेंज हो जाएगा. यहाँ पर आप लिख देते हैं नंबर अकरेंस इज, तो नंबर के लिए आप यहाँ पर शुरू में दे दीजिए परसेंटाइल डी, क्योंकि यहाँ पर तो आप देंगे टैम्प नंबर जो भी आपने डाला होगा और फिर आप देंगे उसकी काउंटिंग. सिंपल सा कोड था, हमने जो भी काउंटिंग करी थी अभी, जैसे ओड करा था इवन करा था, यहाँ पे सिंपल हमने जो नंबर डाला है उसकी एग्जिस्टेंस को हम पता करने वाले हैं, और इसको जब हम रन कराएंगे
तो रन कराने के बाद आप जो भी नंबर यहाँ पर डालेंगे, डालने के बाद हमने यहाँ पर डाला 45। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो 45 नंबर अक्यूरेंस इज 3, यानी कि ये नंबर एरे में 3 बार डाला गया है। तो इस तरीके से एरे में हम और भी प्रोग्राम देखने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं कि नंबर एग्जिस्ट करता है यस या नो, हमें सिर्फ एक मैसेज चाहिए। तो हम सिंपल क्या कर देते हैं, अभी एक वेरिएबल को बदल देते हैं, फ्लैग लगा देते हैं, फ्लैग 0, इसका मतलब अभी वैल्यू फॉल्स है, और अगर वो वैल्यू मिलती है तो फ्लैग को हम ट्रू करा देंगे। ट्रू का मतलब हम यहाँ पर 1 पास करा देंगे, 0 का मतलब है अभी फॉल्स है। तो सेम हमें यहाँ पर चेक करना है, एंटर नंबर 2, मैसेज बदल देते हैं चेक एग्जिस्टेंस, और यहाँ पर सिंपल जो भी हमने नीचे अभी टेम्प में चेक कराने पे काउंटिंग बढ़वाई थी, यहाँ पर हम फ्लैग की वैल्यू को ट्रू करा देंगे, यानी कि अगर नंबर मिलता है तो फ्लैग की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। और नीचे हम कंडीशन पास करा देंगे। अब हमने लूप के अंदर कंडीशन इसलिए नहीं दिया है क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप हर नंबर को भी चेक करेगा। इफ़ हमारा फ्लैग अगर ट्रू हो जाता है, यानी कि नंबर अगर मिल जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा नंबर एग्जिस्ट होता है, यानी कि नंबर प्रेजेंट इन एरे लिस्ट। और अगर हमारा नंबर नहीं मिलता तो फ्लैग की वैल्यू 0 ही रहेगी, और उस केस में हमारा नंबर नॉट प्रेजेंट। इसका मतलब मिलने पर हमारे फ्लैग की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज फ्लैग की वैल्यू 0 ही रहेगी और नंबर हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। F9 से हम इसे रन करा देते हैं। कुछ भी नंबर हम डालने के बाद अगर यहाँ पर डालते हैं 666, तो नीचे लिखा आ रहा है नंबर नॉट प्रेजेंट, क्योंकि ये 666 नंबर प्रेजेंट नहीं करता। आप चाहें तो अभी इसे कमेंट कर सकते हैं, आप एरे को प्रिंट ना कराइए, सिर्फ मैसेज दिखाइए। कुछ भी हम डाल देते हैं नंबर, उसके बाद यहाँ से दे देते हैं हम 34, तो ये एग्जिस्ट करता है, इसलिए मैसेज आ रहा है नंबर प्रेजेंट इन एरे लिस्ट। तो कुछ मैसेजेस जो आप नहीं देना चाहते उन्हें आप कमेंट कर दीजिए, फिर वो आपको रन टाइम पे दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि हमने सिर्फ यही मैसेज दिखाना है कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। अब हमें एक नंबर चेक करवाना है, वो नंबर सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए एरे लिस्ट में। तो हमें क्या करना होगा, एक वेरिएबल हम ले लेते हैं, फिलहाल हम पहले जैसा लूप कर देते हैं, जैसा कि पहले हमने यहाँ पर डिस्प्ले कराया था 1 to 10 का एरे, वापस से इसको रीसेट कर दिया और ये वाला कोड भी हमने हटा दिया है। इसका मतलब जो भी हम अब 10 नंबर डालेंगे उनमें से सबसे बड़ा नंबर हमें डिस्प्ले कराना है और सबसे छोटा नंबर डिस्प्ले कराना है। तो सबसे पहले तो हम बड़ा नंबर देख लेते हैं। छोटा नंबर आपको करना होगा और आपको बताना होगा कमेंट के अंदर कि क्या कोड हुआ है, क्या है, कैसे आपको निकालना है वो। यहाँ पर हम एक SML नंबर ले लेते हैं और LAR नंबर ले लेते हैं, यानी कि स्मॉलर के लिए और लार्जेस्ट के लिए। स्मॉलर की वैल्यू आपको खुद से सेट नहीं करनी है, इसको आपको सिंपल रखना है। लार्जेस्ट की वैल्यू आप बड़ी लेंगे, इसलिए आपको स्मॉलर से लेते हुए चालू करना है। लार्जेस्ट इक्वल टू 0, यानी कि अभी गार्बेज एरर से बचाने के लिए लार्जेस्ट में हमने 0 नंबर रख दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक कंडीशन लगानी है। इफ हमारा लार्जेस्ट नंबर जो भी हमने लिया है वो छोटा निकलता है हमारे एरे के पहले नंबर से, दूसरे नंबर से, तीसरे नंबर से, क्योंकि हम लूप के अंदर इसे लगा रहे हैं, तो वो हर पोजीशन को चेक करेगा। सबसे पहले पहली पोजीशन देखेगा, फिर देखेगा दूसरी पोजीशन। तो सपोज मैं एक पहला नंबर डाल देता हूँ 7, 8, 9, 6, 5, इस तरीके से एक लिस्ट ले लेते हैं। तो LAR में तो अभी हमने ऊपर 0 लिया है और 0 छोटा है पहले नंबर से, बिल्कुल ये ट्रू करता है, तो इसका मतलब वो बड़ा नंबर हम उस एरे में डलवा लेंगे। इस कोड का क्या मतलब हुआ कि वो बड़ा नंबर लार्जेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि लार्जेस्ट में तो हमने ऊपर अभी 0 लिया हुआ है। अगर हम 0 को कंपेयर कराएं अपने डाले गए नंबर से 6 से, सपोज एग्जांपल के तौर पे, तो 6 हमारा जो नंबर है वो LAR में चला जाएगा, क्योंकि इफ वाली कंडीशन ये ट्रू हो रही है, और ये ट्रू होने पर वो जो बड़ा नंबर है वो LAR में आ जाएगा। और इस तरीके से हर स्टेप पर जब जब हमारा नंबर छोटा रहेगा तो वो बड़ा नंबर हमारे LAR में
आता रहेगा। इस तरीके से हमें लार्जेस्ट नंबर मिल जाएगा, आप उसे लास्ट में प्रिंट करा दीजिए। लार्जेस्ट नंबर इज, और यहां पर हम ले लेते हैं LAR, देन हम इसे रन करा के देख लेते हैं। रन कराने पे हम जो भी नंबर यहां पर डालेंगे और उसमें से जो भी बड़ा नंबर होगा वो हमें दिख जाएगा 454। बाकी के नंबर्स में हमने लाइन ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करा था, इस वजह से वो वन बाय वन नीचे नहीं आए थे। स्मॉलर के केस में क्या होगा, हमें उल्टा कर देना है। स्मॉलर में हमें यहाँ से डाल देना है, अगर स्मॉलर की वैल्यू बड़ी निकलती है, क्योंकि गार्बेज वैल्यू होगी SML में, जैसे कि मैंने जीरो डिफाइन नहीं कराए तो बिल्कुल उसके अंदर कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू होगी, बड़ी वैल्यू, और हमने यहाँ पर कंपेयर कराया उसको नंबर ऑफ लिस्ट से। सपोज हमने 6 ले रखा है और गार्बेज वैल्यू बड़ी निकलती है 6 से, तो वो 6 नंबर SML में आ जाएगा, इसका मतलब हमें छोटा नंबर मिल जाएगा। फिर इसी तरीके से हमारा जो 6 नंबर है सपोज आता है और अगला नंबर होता है 3, तो 6 नंबर 3 से बड़ा है, बिल्कुल ट्रू, तो 3 नंबर अब हमारा स्मॉल में आ जाएगा। इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, स्मॉलर नंबर। तो मैसेज हमारे थोड़े बदल जाएंगे, थोड़ा सा हमारा ऑपरेटर बदल जाएंगे, और इसे रन करा देते हैं F9 से। रन कराने के बाद हम जो भी नंबर यहां पर डालेंगे और उनमें नंबर जो आप देख पा रहे हैं, स्मॉलेस्ट नंबर इज 6, क्योंकि 6 नंबर इस एरे में सबसे छोटा नंबर है। तो आपने देखा एरे में हमने कुछ प्रोग्राम्स और सीखे, होपफुली आपको ये प्रोग्राम क्लियर हो जाएंगे। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये प्रोग्राम क्लियर होंगे। आने वाले प्रोग्राम्स में हम शॉर्टिंग देखेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी के अपडेशन के लिए आप जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।